दीदी, ये आप लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया हुआ है, किस विषय को लेकर के दिया हुआ है और क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग संविदा कर्मी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, और कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार हम लोगों को हर बार आश्वासन दे देती है और हम लोगों को नियमित नहीं कर रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करें, जिसमें से हमें नियमितीकरण दें, और साथ में जो हमारी 5 जून 2018 को एक नीति लागू हुई थी 90% वाली, तो उस नीति को भी लागू करें जल्दी से, और हमारे जो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं या जिनको निष्कासित कर दिया गया है उनको NHM में वापसी दें जी, और हम लोगों को सबको नियमित करें जी, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों को सरकार ने कोरोना योद्धा तो घोषित कर दिया है, लेकिन हमें ऐसी संतोषजनक पेमेंट नहीं मिल रही है जिससे हम अपना घर का भरण पोषण कर सके। इसलिए आज हम लोग 90% और नियमितीकरण की मुख्य मांगों के साथ हड़ताल पर हैं। अच्छा, किसको दिया है ये ज्ञापन, किसके नाम पे दिया हुआ है? रेफर PSC में डॉक्टर अनिल चौधरी सर, मेडिकल ऑफिसर सर जी। ठीक, धन्यवाद।